स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, जिसके तहत जिला स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों पर मौसमी बीमारियों संबंधित जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। संस्थानों पर आने वाले लोगों को डेंगू रोग के विषय में व्यापक जानकारी प्रदान की गई, जहां राष्ट्रीय डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा संस्थानों पर IIC कॉर्नर्स की स्थापना कर डेंगू रोग के कारण, लक्षण और बचाव उपचार व रोकथाम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। वहीं आमजन को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। इसी के साथ प्रदेश भर में राज्य स्तरीय डेंगू सप्ताह का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर में एक सप्ताह तक डेंगू रोकने और डेंगू के लार्वा नष्ट करने के काम किए जाएंगे। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रभाव और उसका प्रभावी तरीके से रोकथाम लगाई जा सके। देखिए, 16 मई को डेंगू दिवस है और एक पखवाड़े का अभियान राजस्थान सरकार चला रही है, और उस एक पखवाड़े के अंदर जितनी भी हमारी CSC है, PSC है पूरे राजस्थान के अंदर, वहाँ पे हम लोगों को लार्वा दिखाएंगे कि इस तरह का लार्वा है जो बीमारी का कारण बन सकता है। 10 सवाल जो डेंगू से उनको दूर रखेंगे, उनके बारे में मास अवेयरनेस का प्रोग्राम राजस्थान भर में चला रहे हैं, क्योंकि ये मौसमी बीमारियां जो होती है ये कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। तो हम पब्लिक अवेयरनेस प्लस विभाग की अपनी तैयारी पूरे साल के अंदर मौसम के अनुसार जो मौसमी बीमारियां हर साल घर करती है, तो उनका एडवांस मैनेजमेंट कैसे किया जाए और पब्लिक अवेयरनेस कैसे की जाए, इसकी हमने पूरी मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए उनको निर्देश दिया जा सकता है।